14 दिसंबर 2022, लगभग आज से 8 महीने पहले मैंने यहाँ पे एक बहुत बड़ा चैलेंज लिया था, जिसके अंदर मैंने सारे के सारे यहाँ पे बीकन बनाए थे, जैसे कि आयरन का, गोल्ड का, एमरल्ड का, डायमंड का, यहाँ तक कि कुछ ऐसे बीकन भी जो कि यहाँ पे इम्पॉसिबल है। बट इन सब के बाद भी मैं जो एक बीकन यहाँ पे नहीं बना पाया वो था नेदरराइट का बीकन, जो कि यहाँ पे इम्पॉसिबल है। बट मैंने सोच लिया इसे मैं पूरी तरह से यहाँ पे कंप्लीट करूंगा, इसलिए आज मैं यहाँ पे 10,000 से भी ज्यादा यहाँ पे TNT एक्सप्लोर करने वाला हूँ और कोशिश करने वाला हूँ इसे पूरी तरह से यहाँ पे कंप्लीट कर सकूं। और इसमें लिटरली मेरे को यहाँ पे 1 महीने से ज्यादा लग चुका है। अगर यहाँ पे वीडियो पसंद है तो प्लीज यहाँ पे लाइक कर देना, चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर देना। तो बिना किसी देर के चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मेरा 10 से 15% तो यहाँ पे पहले से कंप्लीट हो रखा है, देख सकते हैं बीकन, जो कि मैंने लास्ट 2 वीडियो में यहाँ पे किया था। बट अब मैं कोशिश करने वाले से पूरी तरह से यहाँ पे कंप्लीट करने की, और इसे करने के लिए मेरे को यहाँ पे बहुत सारे रिसोर्स की जरूरत पड़ने वाली है। तो सीधा यहाँ पे अपने स्टोरेज रूम में चलते और देखते हैं मेरे पास यहाँ पे कितना रिसोर्स रखा हुआ है। रिसोर्स कलेक्ट करने से पहले मेरे को यहाँ पे बहुत सारे सर्कल बॉक्स की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा रिसोर्स लगने वाले हैं। और देख सकते हैं लिटरली यहाँ पे चारों तरफ यहाँ पे सर्कल बॉक्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि लास्ट बिल्ड में मेरे को कुछ ज्यादा यहाँ पे रिसोर्स लगे थे, जिसके कारण मेरे को बहुत सारे सर्कल बॉक्स की जरूरत पड़ी थी। और यहाँ पे थोड़ा बहुत सैंड भी यहाँ पे रखा हुआ है, तो ये भी हमारे यहाँ पे काम आ जाएगा। बट मेनली अभी मेरे को यहाँ पे सर्कल बॉक्स की जरूरत पड़ने वाली है, और देख सकते हैं सारे खाली सर्कल बॉक्स हैं, तो इन सबको मैं यहाँ पे कलेक्ट कर लेता हूँ। तो सर्कल बॉक्स तो हमारे पास यहाँ पे कलेक्ट हो चुके हैं, अब मेरे को यहाँ पे मेन रिसोर्स यहाँ पे कलेक्ट करना शुरू करना है। तो नेदरराइट माइनिंग करने के लिए मैं यहाँ पे मेनली यहाँ पे TNT का यूज करने वाला हूँ। TNT यहाँ पे सैंड और गनपाउडर को मिला के बनता है, और अभी मेरे पास यहाँ पे दोनों ही नहीं है। तो गनपाउडर तो मैं यहाँ पे बाद में कलेक्ट कर लूंगा, क्योंकि उसमें सिर्फ यहाँ पे FK करना है। फिलहाल अभी यहाँ पे सैंड कलेक्ट करना चलते हैं, क्योंकि वो सबसे ज्यादा यहाँ पे कठिन होने वाला है और मैं इसे मैनुअली यहाँ पे करने वाला हूँ। तो सीधा चलते अपने यहाँ पे सैंड बायोम में। तो यहाँ पे हम यहाँ पे आ चुके हैं और देख सकते हैं चारों तरफ यहाँ पे आपको सैंड स्टोन नहीं दिख रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी सैंड थी वो सब मैंने यहाँ पे माइन कर लिया है। और यहाँ आने मेरे को यहाँ पे जॉब से ज्यादा यहाँ पे टाइम लग गया, क्योंकि मैं पोर्टल से नहीं आया, क्योंकि रास्ते में मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट यहाँ पे हो गया था। तो अभी के लिए उसे यहाँ पे इग्नोर करते हैं और अपने यहाँ पे मेन काम करना शुरू करते हैं, जो कि यहाँ पे सैंड कलेक्ट करना है। और अगर मैं यहाँ पे ऐसे यहाँ पे सैंड लेता रहा तो मुझे नहीं लगता कि ये सैंड बायो में यहाँ पे सैंड बायो में रह पाएगा। तो फिलहाल अपना यहाँ पे कलेक्ट करना यहाँ पे शुरू कर देते हैं। लिटरली मैंने यहाँ पे 2 से 3 दिन अपने लगा दी, वो भी रियल लाइफ के, और लगातार यहाँ पे मैंने माइन किया। बट मेरे पास बहुत सारे सैंड यहाँ पे कलेक्ट हो चुके हैं, उसके साथ ही कुछ एक्सीडेंट भी यहाँ पे हो रहे थे। और उसके साथ ही मेरे यहाँ पे लास्ट आइटम में यहाँ पे यूज हो चुका है। बट उसके बाद देख सकते हैं सारा एरिया मैंने यहाँ पे क्लियर कर लिया है, और लिटरली देख सकते हैं डेजर्ट का यहाँ पे क्या हाल हो गया है। मैं यहाँ पे और मैन तो करना चाहता था, बट मेरे यहाँ पे जितने भी सवल थे उन सबकी हालत यहाँ पे बहुत ज्यादा यहाँ पे खराब हो चुकी है, तो मुझे यहाँ पे रुकना ही पड़ा। और देख सकते हैं मैंने यहाँ पे टोटल यहाँ पे 8 सर्कल बॉक्स यहाँ पे कलेक्ट कर लिया है। आई नो कि ये ज्यादा नहीं है, बट अभी के लिए मैं इससे यहाँ पे स्टार्ट कर सकता हूँ, बाद में यहाँ पे दोबारा तो मुझे आना ही पड़ेगा, क्योंकि इतने से यहाँ पे सेंट से यहाँ पे कुछ भी नहीं यहाँ पे होने वाला है। और आप बस ये मत समझ रहे कि मैंने एक ही सवल से यहाँ पे मैन किया है, बाकी सवलों की हालत भी देख सकते हैं कितनी ज्यादा यहाँ पे खराब हो चुकी है। बट इन सबके बावजूद मैंने सारा सामान यहाँ पे कलेक्ट कर लिया है, अभी के लिए हम यहाँ से निकल सकते हैं, अपना यहाँ पे काम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। और सबसे पहले मैंने यहाँ पे अपने रेड फार्म पे जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे यहाँ पे टोटम की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि मेरे टोटम यहाँ पे सारे खत्म हो चुके हैं, जो मैं सर्कल बॉक्स में भर के रखता था वो सारे खत्म हो गए। तो फिलहाल अभी मैं अपने रेड फार्म पे यहाँ पे आ चुका हूँ, और अगर मैं यहाँ पे मर गया तो मेरा सामान यहाँ पे डिस्पोन हो सकता है, और ये मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा। तो इसलिए मैं अपने टोटम यहाँ पे रिफिल यहाँ पे कर लेता हूँ, और जितने भी यहाँ पे चेस्ट दे रहे हो सारे के सारे यहाँ पे भरे हुए होंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं टाइम टाइम पे यहाँ पे FK करने यहाँ पे आता हूँ XP के लिए। और उसके साथ ये देख सकते हैं टोटम यहाँ पे कितने सारे हैं, तो इनको यहाँ पे कलेक्ट कर लेता हूँ। और हम फिर से यहाँ पे रिस्टॉक यहाँ पे हो चुके हैं, अपने सर्कल बॉक्स पूरी तरह से भर गया है, तो अपना काम यहाँ पे हो चुका है। तो यहाँ पे निकलते हैं और अपने बाकी का रिसोर्स कलेक्ट करना यहाँ पे शुरू कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे सारा सामान यहाँ पे कलेक्ट कर लिया, जितना भी सैंड था उस सब मैंने यहाँ पे रख दिया। बट अब मेरे को यहाँ पे सबसे ज्यादा कठिन काम करना, जो कि है AFK करना, क्योंकि अगला हमारा जो सामान कलेक्ट करना है वो है गन पाउडर। और FK करना मेरे को कठिन नहीं लगता है, क्योंकि मुझे इसमें कुछ करना ही नहीं होता, और ये वाकई बहुत ज्यादा यहाँ पे बोरिंग हो जाता है। बट उसके बाद भी अभी हमारे पास कोई ज्यादा ऑप्शन है नहीं, तो सीधा अपने गन पाउडर फार्म पे चलते हैं और अपना गन पाउडर फार्म देख सकते हैं। और अगर आप मेरे यहाँ पे पहले से फॉलो करते हैं, आपको पता होगा मैंने इस फार्म का कितना ज्यादा यहाँ पे यूज किया है, और ये फार्म वर्क भी बहुत ज्यादा यहाँ पे अच्छा करता है। तो यहाँ पे लैंड कर लेते हैं। तो फाइनली मैं यहाँ पे आ तो चुका हूँ, मेरे को यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे AFK करना है, और थोड़ी देर में यहाँ पे बहुत सारे क्रीपर यहाँ पे आने वाले हैं। बाकी यहाँ पे पहले से भी थोड़ा बहुत गनपाउडर यहाँ पे रखा हुआ है, तो फिलहाल इससे हमारा कुछ भी यहाँ पे नहीं होने वाला। बाकी मैंने सारे सर्कल बॉक्स यहाँ पे रख दिया है, और बाकी सर्कल बॉक्स में यहाँ पे मैं रख देता हूँ। और देख सकते थोड़ी देर में यहाँ पे कितने सारे यहाँ पे क्रीपर यहाँ पे आना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि अभी मैंने फार्म बंद कर रखा है। तो फिलहाल अभी मैं इसे यहाँ पे स्टार्ट कर देता हूँ, और हाथों में लूटिंग 3 की शॉट ले लेता हूँ, जिससे मेरे को ज्यादा ज्यादा यहाँ पे गनपाउडर यहाँ पे मिल सके। अब बस मुझे यहाँ पे AFK करना है, और मुझे वेट करना है गनपाउडर का कलेक्ट होने का। उसके साथ ही मेरी XP आप देख सकते हैं, मेरी XP ज्यादा तो नहीं बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा यहाँ पे स्लो बढ़ती है, बट उसके बाद भी देखेंगे कितनी XP बढ़ सकती है।
सो आई थिंक मुझे इसे बंद कर देना चाहिए, लिटरली बहुत ज्यादा यहाँ पे दिन बीत चुके हैं, आपको इतना लग नहीं रहा होगा, बस लिटरली मेरे को इतने दिन हो चुके हैं मुझे पता भी नहीं। और यहाँ पे मैंने 7 सर्कल बॉक्स भर के यहाँ पे कंप्यूटर यहाँ पे कलेक्ट कर लिया है, और एक्सपी मेरी इतनी ज्यादा नहीं बढ़ी वो मुझे पता ही था, क्योंकि 500 के बाद तो वैसे ही बहुत ज्यादा धीरे एक्सपी बढ़ती है। बट देखने वाली बात है कि इतने दिनों के घंटों के एफके करने के बाद भी मेरे पास 7 सर्कल बॉक्स यहाँ पे भर के एफके कर पाया, क्योंकि लिटरली काफी ज्यादा यहाँ पे बोरिंग था, मेरे को कुछ करने नहीं था। बट अब मैं सोच रहा हूँ क्यों ना इस यहाँ पे स्टार्ट कर दिया जाए और आगे चल के मैं फिर से यहाँ पे एफके करने वाला हूँ। सो आई थिंक अभी के लिए इतना यहाँ पे इनफ होने वाला है, तो अभी इन्हें लेके चलता हूँ सीधा। देख सकते हैं कितने सारे सर्कल बॉक्स यहाँ पे हो चुके हैं, लिटरली इन सब में गन पाउडर और यहाँ पे सैंड भरे हुए हैं। तो आई थिंक अभी यहाँ पे टाइम आ चुका है कि मैं इन सबसे यहाँ पे TNT क्राफ्ट करूँ और देखते हैं यहाँ पे टोटल कितने TNT यहाँ पे हो पाते हैं। तो ये जो आप सामने सर्कल बॉक्स देख रहे हैं ये कई दिनों की यहाँ पे मेहनत है, और देख सकते हैं पूरा TNT यहाँ पे भर चुका है एक सर्कल बॉक्स, और दूसरा वाला भी लगभग यहाँ पे आधा भरा हुआ है। मतलब अभी हमारे पास यहाँ पे टोटल 1.5 स्टैक यहाँ पे TNT यहाँ पे हो चुके हैं, और लिटरली मुझे यकीन नहीं हो रहा इतने घंटों की मेहनत के बाद सिर्फ मेरे पास 1.5 स्टैक यहाँ पे हुए हैं, और बाकी थोड़ा बहुत यहाँ पे सैंड भी अभी बच चुका है। मतलब आगे चल के हमें सैंड की थोड़ी यहाँ पे कम माइनिंग यहाँ पे करनी पड़ेगी, बट मुझे यकीन नहीं हो रहा लिटरली इतनी घंटों की मेहनत के बाद मेरे पास यहाँ पे 1.5 स्टैक यहाँ पे हो पाया है। बट अभी के लिए यहाँ पे इनफ होने वाला है, इससे हम कम से कम स्टार्ट तो यहाँ पे कर सकते हैं। TNT माइनिंग करने से पहले मैं अपने आपको पूरी तरह से यहाँ पे रिपेयर कर लेना चाहता हूँ, मेरे टूल भी देख सकते हैं अभी भी इनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब है। तो अपने रिपेयरिंग का काम यहाँ पे पूरी तरह से यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, तो सीधा यहाँ पे नेदर में चलते हैं और अपने TNT माइनिंग का काम यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे नेदर में तो आ चुका हूँ, बट मेरे को याद नहीं आ रहा मैंने यहाँ पे कहीं पे एक माइनिंग का आइडिया यहाँ पे बना रखा था, जहाँ पे मैंने बहुत लंबी यहाँ पे टनल यहाँ पे डिग कर रखी थी, बट अभी वो मुझे मिल नहीं रही। तो मैं अपने ओल्ड वाले यहाँ पे माइनिंग एरिया पे यहाँ पे जाने वाला हूँ, और अब तक मैंने जितनी भी बार यहाँ पे नेदरराइट माइनिंग की है ज्यादातर मैंने यहीं पे की है, और अभी तक सारी की सारी TNT माइनिंग बहुत अच्छी गई है। आई होप ये वाली भी अच्छी जाए। तो हम यहाँ पे आ तो चुके हैं, और यहाँ पे राइट साइड यहाँ पे एक और टनल बन रखी है, और यहाँ पे शायद मैंने पहले से यहाँ पे माइनिंग कर रखी है, तो यहाँ पे तो मैं यहाँ पे नहीं कर सकता। तो आई थिंक मुझे यहाँ पे नई टनल यहाँ पे डिग करनी पड़ेगी, इसलिए मैं लेफ्ट साइड यहाँ पे डिग करने वाला हूँ, क्योंकि लेफ्ट साइड यहाँ पे कुछ नहीं हो रखा, तो इसी साइड यहाँ पे करने वाले हैं। और आई होप कि ये वाली माइनिंग यहाँ पे अच्छी जानी चाहिए, क्योंकि इस बार मेरे को बहुत ज्यादा यहाँ पे होप है। लिटरली अभी मैंने यहाँ पे 100 ब्लॉक भी यहाँ पे माइन नहीं किया, और मेरे को यहाँ पे एक और अपनी माइनिंग दिख गई है, देख सकते हैं इस तरफ से मैं करता हुआ आ रहा था। तो फिलहाल अभी मैं यहीं पे जाने वाला हूँ, इसी तरफ जाने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी कोई ऑप्शन भी नहीं बचे हैं। और वैसे भी जहाँ पे पहले से माइनिंग हो रखी है वो दूसरे तरफ है, और हम बिल्कुल इसके अपोजिट जा रहे हैं, तो इससे हमें कोई ज्यादा यहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। तो अपने यहाँ पे सीधा अपने काम पे लग जाते हैं, मेरे को बहुत बड़ी यहाँ पे टनल बनानी है, क्योंकि मेरे को बहुत सारे TNT एक्सप्लोर करना है। और वेट, यहाँ पे फिर से एक और यहाँ पे माइनिंग का आइडिया देख सकते हैं, यहाँ पे फिर से मैंने कर रखा है। मुझे लगता नहीं कि यहाँ पे कोई ऐसा आइडिया बचा भी है जहाँ पे मैंने माइनिंग यहाँ पे नहीं की है, बट ये भी अपोजिट साइड है, तो इससे हमें कोई ज्यादा यहाँ पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अपने यहाँ पे सीधा माइनिंग यहाँ पे कंटिन्यू रखते हैं, और टनल बनाने पे मैं ध्यान देता हूँ। और यहाँ पे मेरे को अपना पहला इंसेंटर पीस यहाँ पे मिल चुका है, और अपनी किस्मत बहुत ही ज्यादा अच्छी चल रही है कि हमें इतनी जल्दी यहाँ पे इंसेंटर पीस यहाँ पे मिल चुका है। और इसी के साइड में यहाँ पे दूसरा इंसेंटर पीस यहाँ पे देख सकते हैं, हमेशा जब भी आपको इंसेंटर पीस मिले उसके साइड में जुड़ यहाँ पे माइन करना, क्योंकि लिटरली उसके साइड में हमेशा यहाँ पे इंसेंटर पीस होता ही है। तो फिलहाल अभी मैं यहाँ पे 500 ब्लॉक दूर यहाँ पे आ चुका हूँ, और अब मैं यहाँ पे एक्सप्लोर करने वाला हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे टेस्ट करना चाहता हूँ कि आसपास हमारे ज्यादा लावा तो नहीं है, और यहाँ पे ज्यादा लावा हुआ तो मैं यहाँ पे कहीं और जाकर यहाँ पे माइन कर लूंगा। तो अपने यहाँ पे TNT प्लेस करना यहाँ पे शुरू कर देते हैं, और आई नो कि यहाँ पे मुझे एक ब्लॉक छोड़ के लगाना चाहिए, बट अभी के लिए मैं ऐसे ही लगाने वाला हूँ, क्योंकि सिर्फ 500 ब्लॉक की तो यहाँ पे बात है। तो यहाँ पे मैं TNT लगा ही रहा होता, और यहाँ पे कुछ ऐसा होता है जो मैंने यहाँ पे बिल्कुल नहीं सोचा था। यहाँ पे मैं अचानक से लावा देखता हूँ, मैं पूरी कोशिश करता हूँ इसे जल्दी से यहाँ पे बंद करने की, पर तब तक यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे देर हो चुकी होती है। तो लिटरली यहाँ पे मैंने सोचा नहीं, तो अचानक से यहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है, और देख सकते हैं कितना ज्यादा यहाँ पे तबाही यहाँ पे हो चुकी है, और मेरा फोन भी थोड़ा बहुत यहाँ पे लैग करने लग जाता है। बट अच्छी बात ये कि यहाँ पे कोई बड़ी सी यहाँ पे लावा पूल नहीं है, वरना यहाँ पे बहुत ज्यादा यहाँ पे दिक्कत हो जाती। बट अब मैं सोचा इसे मैं यहाँ पे कंटिन्यू करने वाला हूँ, क्योंकि अभी यहाँ पे कोई लावा है नहीं, तो आई थिंक आगे चलना यहाँ पे सही रहेगा। और अभी से मेरे को यहाँ पे इंसेंट डिब्रीज देखने यहाँ पे शुरू हो चुके हैं, सो आई थिंक ये एक अच्छी स्टार्ट है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं 4 यहाँ पे इंसेंट डिब्रीज मुझे दिख रहे हैं। सो मैं इन सबको यहाँ पे माइन कर लेता हूँ, और उसके साथ ही मेरे पास यहाँ पे ज्यादा पोशन नहीं है, तो मेरे को बहुत ज्यादा यहाँ पे संभल के रहना होगा, और जितना कम लावा मुझे मिले उतना ज्यादा यहाँ पे अच्छा होगा। और अभी तक ये सबसे बेस्ट माइनिंग यहाँ पे चल रही है, क्योंकि ना मेरे को यहाँ पे लावा दिख रहा है, और देखते थे इंसेंट डिब्रीज तो यहाँ पे भर भर के यहाँ पे रखे हुए हैं। तो इसी के साथ मैंने यहाँ पे लास्ट ब्लॉक भी यहाँ पे माइन कर लिया, और अभी मेरे यहाँ पे टोटल यहाँ पे 22 यहाँ पे इंसेंट डिब्रीज यहाँ पे हो चुके हैं, और ये मेरा अब तक का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस है। देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल भी यहाँ पे लावा आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, थोड़ा बहुत लावा है बट इतना यहाँ पे लावा नहीं है, और उसके साथ ही इंसेंट डिब्रीज भी यहाँ पे भर भर के यहाँ पे रखे हुए थे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे डिसाइड किया कि मैं इसी डायरेक्शन में यहाँ पे जाने वाला हूँ, अगर ऐसे यहाँ पे चलता तो लिटरली मेरे को बहुत सारे इंसेंट डिब्रीज यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो
तो हम लोग यहाँ पे 1500 पे आ चुके हैं और लिटरली देख सकते हैं अपना जो लास्ट ब्लॉक यहाँ पे एंशिएंट डिब्रीज ही है, और इसके साथ यहाँ पे मैं लगभग यहाँ पे 1000 ब्लॉक दूर यहाँ पे आ चुका हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ यहीं से मैं TNT प्लेस करना शुरू कर दूँ, क्योंकि मैं अगर एक बार मैं TNT लगाऊंगा तो मेरे को बहुत ज्यादा यहाँ पे दिक्कत हो जाती है, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा यहाँ पे लैग होता है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे TNT लगा रहा हूँ। सो आई थिंक अभी के लिए यहाँ पे 1000 TNT यहाँ पे इनफ होने चाहिए। तो इसके साथ हमारे यहाँ पे एक स्टैक यहाँ पे एंशिएंट डिब्रीज यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। लिटरली इसमें वाकई काफी ज्यादा टाइम लगा, बट उसके बाद देख सकते हैं जितना मैंने सोचा तो उससे बहुत ही कम समय में ये यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। मतलब अपने नेदरराइट की माइनिंग बहुत अच्छी यहाँ पे चल रही है। बस यहाँ पे एक बात की प्रॉब्लम है कि मेरे यहाँ पे पोर्शन लगभग यहाँ पे खत्म होने वाला है, और मैं छोटी मोटी जगह पे जैसे यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मैं पोर्शन यूज नहीं कर सकता, तो मेरे को काफी ज्यादा यहाँ पे संभाल के यूज करना होगा उन्हें। तो अभी मेरे यहाँ पे एक टोटम यहाँ पे और यूज हो चुका है इस वीडियो में, वाकई काफी सारे मेरे यहाँ पे टोटम यूज हो चुके हैं, बट अच्छी बात है कि मैं बहुत सारे यहाँ पे टोटम लाया हूँ, तो इससे ज्यादा कोई फर्क तो नहीं पड़ना चाहिए। तो अभी इसे यहाँ पे कंटिन्यू रखते हैं, और उसके साथ ही देख सकते हैं कितना सारा यहाँ पे लावा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे मैं 1500 ब्लॉक पे यहाँ पे आ चुका, और मैंने यहाँ पे सारा एरिया यहाँ पे ब्लास्ट कर दिया, और मैंने बहुत सारे यहाँ पे नेदरराइट जितने भी मिले मेरे को मैंने सब यहाँ पे माइन कर लिया है। और आप सोच रहे होंगे मुझे यहाँ पे टोटल कितने यहाँ पे नेदरराइट मिले, तो मेरे को यहाँ पे लगभग यहाँ पे 2 स्टैक यहाँ पे नेदरराइट मिला है। आपको ये ज्यादा नहीं लग रहे होंगे, बट मेरे लिए लिटरली बहुत ज्यादा है, क्योंकि इतने में मेरे को बहुत कम मिलते थे, बट ये वाला मेरा बहुत ही ज्यादा यहाँ पे लकी जा रहा है। और अभी भी मेरे पास यहाँ पे लगभग यहाँ पे 50% TNT यहाँ पे बचे हुए, मतलब अभी मैं और भी ज्यादा यहाँ पे TNT माइनिंग यहाँ पे कर सकता हूँ। इस तरह से अभी तक मेरे यहाँ पे TNT माइनिंग चली, अगर ऐसे यहाँ पे चलते रहे तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे ज्यादा टाइम लगने वाला है मेरे को पूरा बीकन बनाने में। तो फिर से अपने यहाँ पे काम पे लग जाते हैं, और इसका जल्दी से मेरे को इसे करना है ताकि मैं दोबारा यहाँ पे TNT ला सकूं। तो 2 सेकंड के अंदर मैंने सारे के सारे यहाँ पे TNT यहाँ पे यूज कर लिया है, और अब मैं सीधे यहाँ पे घर जाने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास जितने भी TNT थे वो सारे मैंने यूज कर लिया। अभी यहाँ पे घर जाके देखा तो मेरे को टोटल यहाँ पे कितने एंशिएंट डिब्रीज अभी मिले हैं, और इसे 2 सेकंड में करने के लिए मेरे को यहाँ पे 2 से 4 दिन यहाँ पे लग चुके हैं। तो इसमें वाकई बहुत ज्यादा मेहनत लग रही है। फिलहाल अभी सीधे यहाँ पे घर चलते हैं। लिटरली मुझे यहाँ पे याद भी नहीं कि मैं कितने समय बाद यहाँ पे आया हूँ, क्योंकि इतने समय से मैं यहाँ पे नेदर में था, और यहाँ पे आके मुझे वाकई काफी अच्छा लग रहा है। और हमारा डॉग पता नहीं यहाँ पे क्यों इतना उदास लग रहा है, शायद मैंने इसे यहाँ पे बहुत समय से मिला नहीं। मैंने इसे बोला था जल्दी मिलेंगे, बट अभी इससे पहले खाना खिला के खुश कर देता हूँ। इस बार की TNT माइनिंग मेरी सबसे बेस्ट TNT माइनिंग थी, क्योंकि इसमें मेरे को बहुत सारे यहाँ पे एंशिएंट डिब्रीज मिले हैं, जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे बहुत ज्यादा यहाँ पे मिले, और वो सभी मैंने इस सर्कल बॉक्स में यहाँ पे रखे हुए हैं। तो टोटल मेरे को यहाँ पे लगभग यहाँ पे 4 स्टैक यहाँ पे एंशिएंट डिब्रीज यहाँ पे मिले हैं। और जो मैं यहाँ पे सेकंड बार यहाँ पे माइनिंग करने गया था तब मेरे को इतने ज्यादा यहाँ पे नहीं मिले जितने मेरे को फर्स्ट बार में मिले, बट उसके बाद भी ये बहुत ज्यादा है। बट ये अभी सिर्फ यहाँ पे राउंड 1 है, क्योंकि मैं यहाँ पे दोबारा जाने वाला हूँ, क्योंकि अभी इतने से मेरे यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला। और अभी हम यहाँ पे लगभग आधी वीडियो में यहाँ पे आ चुके हैं, और आपको यहाँ पे मजा आ रहा है तो जल्दी से यहाँ पे सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हम बहुत ज्यादा क्लोज आ चुके हैं 10K के। तो पहले मेरे जितने भी इन्वेंटरी में बेकार का सामान रखा है वो मुझे यहाँ पे निकालना है, तो अपने सॉर्टिंग सिस्टम में यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। तो मेरे को यहाँ पे फिर से यहाँ पे रिसोर्स कलेक्ट करने जाना पड़ेगा, और इससे मैं फिर से वहाँ पे बहुत ज्यादा यहाँ पे टाइम लगने वाला है। बट अब की बार मैं सबसे पहले यहाँ पे मैं गन पाउडर यहाँ पे कलेक्ट करने जाने वाला हूँ, क्योंकि वो बिल्कुल पास में ही है, और मैं कोशिश करूँगा जितना हो सके उतना ज्यादा यहाँ पे कलेक्ट करने की। और उसके साथ ही हमारे पास यहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ पे सैंड भी रखा हुआ है, तो ये हमारे यहाँ पे काम आ जाएगा। तो फिलहाल के लिए सीधे अपने यहाँ पे फार्म पे चलते हैं, क्योंकि हमारे पास एक ही फार्म है जिससे हमें गन पाउडर मिल सकता है। और अगर आप यहाँ पे कोई अच्छा सा गन पाउडर का फार्म बताओ तो मुझे जरूर बताना, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा यहाँ पे गन पाउडर यूज करता हूँ, और अगर ऐसे में और कोई अच्छा फार्म होगा तो मैं उसे जरूर यहाँ पे बनाऊंगा। बट अभी के लिए तो ये मेरा सबसे बेस्ट फार्म है, तो इसी के लिए यहाँ पे AFK करते हैं और सीधे अपने यहाँ पे काम शुरू कर देते हैं। एक्चुअली कुछ काम करना नहीं, बस मुझे AFK करना है। तो गन पाउडर मैंने यहाँ पे साढ़े यहाँ पे कलेक्ट कर लिया, और अब मेरे को यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे सैंड चाहिए। और आपको पता है मैं सैंड के लिए यहाँ पे कहाँ जाने वाला हूँ, तो सीधा अपने यहाँ पे डेजर्ट में यहाँ पे चलते हैं। एक्चुअली आई रियली लव दिस ट्रांजिशन जो मैं यहाँ पे नेदर पोर्टल से करता हूँ, बट अभी के लिए अपने यहाँ पे काम पे ध्यान देते हैं और जल्दी से सैंड कलेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे सारे सैंड यहाँ पे कलेक्ट कर लिया, और अभी मैं अपने टूल्स को रिपेयर कर रहा हूँ। और अभी मैंने अपने XP को नोटिस किया, मुझे लग रहा जब तक मेरे यहाँ पे बीकन कंप्लीट होगा मेरे यहाँ पे 1000 XP यहाँ पे हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे पूरी तरह से यहाँ पे तैयार हुआ, मेरे को सिर्फ इन्हें यहाँ पे क्राफ्ट करना है, और इन्हें क्राफ्ट करने में भी बहुत ज्यादा यहाँ पे टाइम लगता है, बट अभी इन्हें जल्दी से यहाँ पे क्राफ्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं सेकंड राउंड के लिए पूरी तरह से यहाँ पे तैयार हुआ, देख सकते हैं मैंने टोटल यहाँ पे 2 सर्कल बॉक्स पूरी तरह से मैं भर दिया है, वो भी TNT से। और बस मुझे यहाँ पे ये होप करना है कि जैसे यहाँ पे फर्स्ट वाली माइनिंग मेरी यहाँ पे सक्सेसफुल गई वैसे ये भी जानी चाहिए, तभी मेरे यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे एंशिएंट डिब्रीज यहाँ पे मिल सकते हैं। और इन सब के अलावा एक और चीज़ है जो मेरे को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं पिछले बार भूल गया था, वो है पोशन। मेरे को बहुत सारे यहाँ पे पोशन बनाने हैं, क्योंकि पोशन मेरे पास बहुत ज़्यादा यहाँ पे कम हो गए, तो जल्दी से यहाँ पे मैं बना लेता हूँ। और इसके साथ ही मेरे यहाँ पे सारे यहाँ पे पोशन यहाँ पे तैयार हो चुके हैं। आई नो कि मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे बना लिए, बट आई थिंक ये यहाँ पे इनफ होने चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पे दोबारा नहीं आने वाला जब तक मैं सारे TNT यहाँ पे ब्लास्ट नहीं कर लेता। और एक बार यहाँ पे फिर से टाइम आ चुका अपने रैम्बो को यहाँ पे गुड बाय बोलने का,
बट अभी हमें अपने काम पे यहाँ पे फोकस करना है और मैं फिर से वहीं पे जाने वाला हूँ जहाँ मैंने पिछली बार यहाँ पे माइनिंग की थी, क्योंकि वहाँ पे मेरे को बहुत सारे इंसिडेंट डिब्रीज यहाँ पे मिले थे। तो पिछले बार मैंने यहीं तक यहाँ पे माइन किया था, बट अब यहाँ पे दोबारा इसके आगे यहाँ पे जाने का टाइम आ चुका है, तो जल्दी से अभी यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं। तो गाइस मैं आपको एक बात बताता हूँ, नेदरराइट कलेक्ट करना इतना ज़्यादा यहाँ पे कठिन नहीं होता, बल्कि ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे बोरिंग होता है। लिटरली अभी रात के 3 बज रहे और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं एंसेंट ड्रिबीज की यहाँ पे माइनिंग कर रहा हूँ। बट एक चीज़ है कि अपना लक में यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे अच्छा चल रहा है, देख सकते हो कितने सारे यहाँ पे एंसेंट ड्रिबीज यहीं से दिखाई दे रहे हैं। तो अपने यहाँ पे काम को यहाँ पे जारी रखते हैं और जल्दी इन सबको यहाँ पे कलेक्ट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे सारे के सारे अपने TNT यूज़ कर लिए, बट अपना लक यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे बेकार चल रहा था। स्टार्टिंग में तो अच्छे खासे इंसेंट डिब्रीज मुझे यहाँ पे मिल रहे थे, बट उसके बाद यहाँ पे हर तरफ यहाँ पे लावा ही लावा दिखने लग गया। पोशन होने के बाद भी मैं इतना ज़्यादा यहाँ पे इंसेंट डिब्रीज यहाँ पे कलेक्ट नहीं कर पाया, क्योंकि कुछ ज़्यादा यहाँ पे लावा हो गया था। और अभी मेरे पास यहाँ पे थोड़े बहुत TNT बचे हैं, तो मैं उनका भी यहाँ पे यूज़ कर लूँगा। बट उसके बाद देख सकते लावा यहाँ पे कुछ ज़्यादा यहाँ पे हो रखा है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं आगे जाता तो वहाँ पे लावा ही लावा यहाँ पे होने लग गया था। और मुझे लगता है कि अब मैंने अगर यहाँ पे TNT यूज़ किया तो वो सब यहाँ पे बेकार ही जाएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा यहाँ पे लावा है मैं यहाँ पे कलेक्ट कर ही नहीं पाऊंगा। तो अब मैं यहाँ पे सीधा अपने यहाँ पे घर में जाने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे रह के अब कोई फायदा है नहीं। तो जितने यहाँ पे कलेक्ट हुआ है वो सब मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, दिखाऊंगा तो तभी अगर मैं यहाँ पे सही सलामत घर पे पहुँच पाता हूँ। तो यहाँ पे एक और टोटा मेरा यहाँ पे वेस्ट हो गया है। और नेदरराइट दिखाने से पहले मेरे को सबसे पहले एक और बहुत ज़्यादा जरूरी काम करना है, जो कि अपने यहाँ पे सब्सक्राइबर को यहाँ पे शॉर्ट आउट देना है, तो वो काम भी यहाँ पे जाके कर लेते हैं। तो आज के यहाँ पे सबसे पहला शॉर्ट आउट जाता है मिस्टर कैल्प को, थैंक यू फॉर सपोर्ट। और इनको यहाँ पे एक आयरन की स्वॉर्ड बनना था, तो इन्हें यहाँ पे शॉर्ट आउट यहाँ पे मिल चुका है। और अपने यहाँ पे सेकंड शॉर्ट आउट जाता है SB सिद्धू गेमिंग को, थैंक यू फॉर सपोर्ट। और इनको यहाँ पे एक ड्रैगन का हेड बनना था, तो इन्हें भी यहाँ पे शॉर्ट आउट यहाँ पे मिल चुका है। तो शॉर्ट आउट का काम तो हमारे यहाँ पे हो गया, तो इन दोनों को यहाँ पे हॉल ऑफ फेम में यहाँ पे रख देते हैं। तो अब यहाँ पे टाइम आ चुका है उस चीज का जिसका सब यहाँ पे वेट कर रहे हैं, अब रिवील करने का टाइम आ चुका है कि मेरे को यहाँ पे टोटल कितने इंसेंट ड्रिब्स यहाँ पे मिले हैं। तो यहाँ पे मेरे को टोटल यहाँ पे 6 स्टैक और 10 इंसेंट ड्रिब्स यहाँ पे मिले हैं, जो कि टोटल होते 394 इंसेंट ड्रिब्स। और यकीन नहीं हो रहा मुझे कि ये मेरी पूरे एक मंथ की यहाँ पे मेहनत है। तो अब यहाँ पे टाइम आ चुका है सबको यहाँ पे स्मेल्ट करने का और उसका देखने का मेरे को यहाँ पे टोटल नेदरराइट इंगट कितने यहाँ पे मिल पाते हैं। और इसके लिए मेरे यहाँ पे गोल्ड की भी यहाँ पे जरूरत पड़ने वाली है, और गोल्ड तो मेरे पास सिर्फ 1 गोल्ड है, तो इससे तो यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला। बट मेरे को पता है मेरे को यहाँ पे कहाँ पे बहुत सारे गोल्ड यहाँ पे मिल सकते हैं, और इसमें हमारे यहाँ पे मदद करने वाला अपना जायंट्स यहाँ पे गोल्ड फार्म देख सकते हैं, इससे मेरे को बहुत जल्दी यहाँ पे गोल्ड मिल जाएगा। तो इन सबको यहाँ पे कलेक्ट कर लेता हूँ। तो अब यहाँ पे टाइम आ चुका है हमें देखने का कि टोटल मेरे को यहाँ पे कितने इंगट यहाँ पे मिलने वाले हैं, और उसके साथ टोटल में कितने ब्लॉक्स इससे यहाँ पे बना पाता हूँ। और देख सकते हैं इंगट में देखा जाए तो हमें यहाँ पे टोटल 98 इंगट यहाँ पे बना सकते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा यहाँ पे इनसेन है। तो अब यहाँ पे टाइम आ चुका है देखने का हमें यहाँ पे टोटल कितने ब्लॉक्स इससे यहाँ पे बना पाते हैं, और इससे सिर्फ यहाँ पे मैं 10 ब्लॉक्स यहाँ पे बना सकता हूँ। और यही एक कारण है कि ये वीडियो इतने समय के बाद आती है, क्योंकि इस तरह की वीडियो बनाने में बाकी बहुत ज्यादा यहाँ पे टाइम लगता है, उसके बाद मेहनत भी लगती है। बट आप जब देखते हो कि इतना कम यहाँ पे ब्लॉक्स यहाँ पे बना पा रहे हो तो काफी ज्यादा यहाँ पे डिमोटिवेटिंग लगता है। बट उसके बाद भी एक चीज है कि नेदरराइट बीकन कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप सोचो और ये बना दो, इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे मेंटली पावर चाहिए तभी आप इसे यहाँ पे बना सकते हो, क्योंकि ऐसी चीज़ों में बहुत ज़्यादा यहाँ पे टाइम लगता है। और ये हर किसी के बस की बात नहीं है, जब आप धीरे धीरे से यहाँ पे कंप्लीट करोगे तब आपको पता चलेगा इसमें कितनी ज़्यादा यहाँ पे खुशी होती है। इसलिए मैंने यहाँ पे खुद को यहाँ पे चैलेंज दिया है, मैं एक ना एक दिन से यहाँ पे जरूर यहाँ पे कंप्लीट करूंगा। और यहाँ पे मैं अकेला नहीं हूँ, जो जो इस वीडियो को यहाँ पे देख रहे हैं और जो जो मेरे यहाँ पे सपोर्ट करते हैं वो सभी इस जर्नी में मेरे साथ हैं। तो भले ही अभी ये यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ और ये बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला, बट एक ना एक दिन मैं इसे यहाँ पे जरूर यहाँ पे कंप्लीट करूंगा।